क्या आप जानते हैं कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP, आपने SIP के बारे में बात करते हुए बहुत लोगों को सुना होगा। SIP से जुड़ी काफी पोस्ट आपने मोबाइल या कंप्यूटर पर जरूर देखा होगा, पर आप नहीं जानते हैं SIP क्या है। तो हमारे इस पोस्ट के जरिए हम आपको SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से जुड़ी सारी जानकारी से रूबरू करवाएंगे। SIP क्या है, काम क्या होता है आदि जानकारी आपको हमारे इस वीडियो के जरिए दी जाएगी। हेलो एंड वेलकम टू द करंट पॉइंट एंड यू वॉचिंग करंट पॉइंट CP। वेल, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर आपको इस वीडियो में क्या क्या देखने को मिलेगा, किस किस टॉपिक पे बात की जाएगी। सबसे पहले जानेंगे SIP क्या है। सेकेंड, SIP क्यों जरूरी है। थर्ड, SIP की शुरू करने के लिए कितनी रकम या कितने पैसे की जरूरत होती है। फोर्थ, क्या SIP को तय अवधि के बाद भी जारी रखा जा सकता है। नेक्स्ट, किन लोगों के लिए है SIP। नेक्स्ट, SIP का लाभ या हानि, SIP के प्रॉफिट और लॉस क्या है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं SIP क्या है। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हर महीने एक निश्चित रकम को अपनी पसंदीदा म्यूचुअल फंड स्कीम में डालने का अवसर देता है। यह अवसर आपको म्यूचुअल फंड देता है, यह आमतौर पर इक्विटी म्यूचुअल फंड में शुरू किया जाता है। राइट, यह क्लियर हो चुका है। अब जानेंगे SIP क्यों शुरू करें। वेल, म्यूचुअल फंड निवेश में अनुशासन का बहुत महत्व है। मसलन, अगर आपने किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में एक निश्चित रकम हर महीने डालने का फैसला किया है, तो आपको इसके लिए समय निकालना होगा, यानी आपको समय दर समय आपको निवेश करने होंगे, इन्वेस्टमेंट करने होंगे SIP के थ्रू। नेक्स्ट, सबसे बड़ी बात, इसमें कंपाउंडिंग का फायदा है। अगर आप लंबी अवधि तक म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और रिटर्न कमाते हैं, तो आपके इस रिटर्न पर भी आपको रिटर्न मिलता है। कंपाउंडिंग का यही फायदा है, जब तक कि आप उस रकम को निकाल ना लें, इंटरेस्ट मिलता ही रहता है। इससे अंत में आपको एक बड़ा फंड जुटाने में मदद मिलती है। राइट, अब जानते हैं SIP शुरू करने के लिए कितनी रकम की जरूरत होती है, कितने पैसे की होनी जरूरी है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में SIP के जरिए सिर्फ ₹500 महीने की रकम से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ एक बात स्पष्ट होता है कि ना इसमें अमीर और ना ही गरीब, इसमें दोनों कोई, एक गरीब मजदूर भी जो महीने के ₹10,000 कमाता है, ₹5,000 कमाता है, वो भी इस स्कीम को चूज कर सकता है और एक लंबे समय के बाद एक करोड़पति बन सकता है। ये पॉसिबल SIP में होता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्या SIP को जारी रखा जा सकता है। कहने का मतलब, अगर मैं SIP को 10 साल, 15 साल, 20 या 25 साल निश्चित समय के लिए अगर मैंने करा है, तो क्या इसे बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। यस, घटाया या बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर मेरी सलाह माने तो SIP के जरिए लॉन्ग टर्म तक फंड को छोड़ देना या स्थगित रखना कारगर साबित हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें कंपाउंडिंग का खेल होता है, तो कंपाउंडिंग एक लंबे अवधि जाने के बाद अपना असर दिखाना शुरू करता है। अब जानते हैं SIP के लाभ या हानि, SIP के प्रॉफिट और लॉस क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। SIP एक ऐसा मोड है जो कि अपनी एक छोटी रकम से आप लंबे समय तक इसे निवेश कर सकते हैं, और इसमें सबसे बड़ा खेल कंपाउंडिंग का होता है। जितने लंबे समय तक आप रखते हैं, कंपाउंडिंग उतना बढ़ता जाता है और आपका पैसा कंपाउंड होता जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कहते हैं, वो समय से होता जाता है। 1 ईयर में जितने भी आपको इंटरेस्ट मिलते हैं, वो इंटरेस्ट आपका फंड में रिलीज होता है, उस इंटरेस्ट पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये है SIP का लाभ।
प्रॉफिट। अब हानि क्या है जानते हैं। अगर आप हानि की बात करें तो अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP के थ्रू अगर आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो कम समय में अगर इस पैसे को आप निकालते हो, क्योंकि ये मार्केट बहुत ही वोलेटाइल होता है, उतार चढ़ाव होता रहता है, जिसकी वजह से कम समय में अगर आप पैसे को निकालना चाहोगे तो शायद आपको लॉस भी हो। सेकेंड, इसमें FD या सेविंग अकाउंट में जो आपको रिटर्न मिलता है वो सेफ होता है, कम होता है बट सेफ होता है। लेकिन यहाँ पे आपको रिटर्न ज़्यादा देखने को मिल सकता है, 12-25% इवन 30% तक भी देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। ओवरऑल में अगर बात करूँ तो SIP बेस्ट ऑप्शन है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इक्विटी फंड, डेथ फंड, डिविडेंड और भी ना जाने कितने। तो सारा वीडियो में एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक बनाता जाऊंगा। इसके लिए सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को आप कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कुछ टाइम तक करें इंतज़ार। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।